हेलो बच्चों, आज हम वापस आ गए और जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग आपका क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक छोटा चैप्टर है, पर अगर आप उसको जेई मेंस या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और इसके अंदर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग से। यानी केमिकल बॉन्डिंग को अगर नहीं पढ़ा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे समझ में आने वाली नहीं। फिर इसके इतने ढेर सारे कंसेप्ट हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट, ये सब यदि समझ में नहीं आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग अलग खराब होगा। मतलब हमारी क्लास 11, 12 की केमिस्ट्री का एक बड़ा ही फंडामेंटल चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। किताब में देखा होगा काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। तो केमिकल बॉन्डिंग से क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, और यदि आप कोटा वोटा की कोचिंग में देखो तो केमिकल बॉन्डिंग के करीब 25 लेक्चर्स चलते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे के। एक बड़ा टॉपिक है, एक महीना जाता है। हम लोग उसको कट डाउन करेंगे, हम लोग वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो पढ़ के खुद से समझ में नहीं आते। छोटी मोटी चीज़ें आप खुद से समझोगे, जो बातें नहीं समझ में आई किताब में या किताबों से गायब है या कॉम्पिटिशन में फोकस हो रहा है, वैसे पॉइंट्स जो कोटा में पढ़ाए जा रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं वो हम आपको बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज तो बहुत ही बेसिक लेक्चर है, आज तो एक इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, आज बहुत ही ईजी लेक्चर रख रहे हैं ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन तो हो जाए कि क्या क्या पढ़ना है टॉपिक में, किस किस तरह की बातें होनी है। तो शुरू करते हैं यार केमिकल बॉन्डिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अलख पांडे, चैनल है फिजिक्स वाला, आप मुझे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चलिए वीडियो देखिए। केमिकल बॉन्डिंग, तो यार बॉन्ड क्या होता है? एक तो बॉन्ड होता है अपना जेम्स बॉन्ड भैया, ठीक है, ये वाला खिच, तो ये तो वो बॉन्ड तो है नहीं। ये बॉन्ड दो एटम के बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कई बार तो लिटरली बॉन्ड होता है, कई बार सिर्फ फोर्स होती है। जैसे आयनिक बॉन्ड होता है वहाँ सिर्फ फोर्स है, ठीक है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोवेलेंट बॉन्ड है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूम रहा है लगातार ऐसे 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 दो एटम को, तो बॉन्ड बना के रखा है। तो ऐसी चीज़ जिसमें दो एटम जुड़े हों, आपस में कोई फोर्स हो या कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, चिपका के रखा हो, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। बात आती है कि ये टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें यार हमको बहुत कुछ पढ़ना है इस केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग आप शुरू करो तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, किस किस तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। जैसे आयनिक कोवेलेंट तो आपने पढ़े ही हैं, मतलब बहुत से तरह के होते हैं। जैसे आप टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखो तो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक, जो एटम्स के बीच में बने, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड हो। अब इंटर एटॉमिक में आपको पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, मेटालिक बॉन्ड, है ना। अब इसमें जैसे आयनिक हो गया, आयनिक कब बनता है? जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल ले लेता है, एक केटायन एक एनायन अट्रैक्ट करते हैं। कोवेलेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए। फिर कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है और दूसरा वाला एक्सेप्ट करता है, है ना। अभी जो हम लोग की IUPAC है वो ये बोलती है कि कोऑर्डिनेट को अलग से मत पढ़िए, कोऑर्डिनेट इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट में भी शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट में ये होता है शेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, दूसरा वाला ले लेता है, एक डोनर एक एक्सेप्टर। फिर आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है भैया? मेटालिक बॉन्ड ये होता है कि मेटल्स के बीच में, जैसे हम आपसे बोले कि आपके पास आयरन का एक रॉड है, कॉपर का एक रॉड है या कॉपर का एक तार है, तो कॉपर के एक तार में बहुत ढेर सारे एटम हैं, तो वो आपस में क्यों चिपके हैं? तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड है। कैसे बनता है? जैसे मान लो कॉपर के एटम्स हैं, ठीक है, ये कॉपर के एटम्स हैं खूब ढेर सारे, ठीक है। अब हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल के आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली बाहर निकल जाते हैं, है ना, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो पूरे थ्रू आउट द मटेरियल इलेक्ट्रॉन खूब ढेर सारे बिछे होते हैं और एटम भी बिछा होता है। अब एटम के अंदर होता है भैया न्यूक्लियस, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को भी पकड़ा हुआ है, इसको भी पकड़ा हुआ है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो दो न्यूक्लियस हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये किसी और का इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है, इसको, ये इसको पकड़ा है, इसको पकड़ा है, इसको, तो इस तरह से एक पूरा एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है जिसमें आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक गम जैसा है, कि हमने गम को लगा दिया है ना, ग्लू की तरह, फेविकोल की तरह इलेक्ट्रॉन को डाल दिया और छोटे छोटे पीसेस को उसने जोड़ के रखा हुआ है।
तो इस तरह की बॉन्डिंग को मेटैलिक बॉन्ड बोलते हैं, जो मेटल के हमें क्रिस्टल मिलती है, कॉपर का क्रिस्टल हो गया हमारा, आयरन का क्रिस्टल हो गया हमारा, ठीक है। और भी मिलेंगे आप लोग को, ये तो आपको क्लास 12 में सॉलिड स्टेट में मिलेगा। आयनिक बॉन्ड हमें बहुत विस्तार में पढ़ना होगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको बेसिक बातें पता ही होंगी कि एक एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और जो पकड़ के रखेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहीं से बॉन्ड। कोवेलेंट भी पता होगा, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर ली, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। फिर आएंगे हमारे इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होते हैं बच्चों? जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, जैसे वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स। आप सोचोगे ये क्या चीज़ है यार, आपने पढ़ा होगा ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल हों, सॉलिड के हों, लिक्विड के हों, आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो जो फोर्स होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में, वो वांडरवाल फोर्स होती है। अब वांडरवाल फोर्स के अंदर भी हम लोग जाएंगे तो हमको इसके पांच टाइप मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी भाई। अलग अलग तरह की वांडरवाल फोर्स है, है ना, कभी दूसरे में डाइपोल बनाती है, कभी खुद में भी डाइपोल बनाती है, डाइपोल क्या होता है भी समझना पड़ेगा। इसी तरह से हमें जो दूसरा बॉन्ड पढ़ना होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये भी एक तरह का बॉन्ड है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमको दो तरह का पढ़ना पड़ेगा, टू टाइप्स का, ठीक है। एक होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर कितना डिटेल में जाने वाला है, अभी तो बस स्टार्ट किया, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन में ही आज का पूरा टॉपिक निकल जाएगा, पूरा क्लास निकलेगा। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा नोट्स बनाते रहो। जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं ना, ये हमारे वीक बॉन्ड होते हैं, ये उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। और ये हमारे इंटर एटॉमिक जो होते हैं, ये हमारे स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, ठीक है। जैसे इनकी हम बात करें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी हमारी 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल तक होती है, करीब करीब 200 से 400 किलो जूल। इनकी तो बहुत कम होती है, इनकी 2 से लेके 40 किलो जूल पर मोल तक, ठीक है। अब कहीं मान लो कंपैरिजन दे दिया है ना, अब आपको बोल दिया कि यहाँ पे कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब आपसे पूछा इसकी बॉन्ड एनर्जी किसके पास होगी, अब अलग अलग ऑप्शन है, कोई 40 जूल है, है ना, 40 किलो जूल है, कोई 100 किलो जूल है, है ना, कोई 300 किलो जूल होता है, आप समझ जाओगे इसमें से कौन सा नियरेस्ट होगा, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, ये सब इस रेंज में फॉल करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। वांडरवाल फोर्स हो, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, वीक बॉन्ड में फॉल करते हैं, 2 से 40 किलो जूल पर मोल। कई किताबें 32 किलो जूल पर मोल देते हैं, कई टीचर्स को टाइम पढ़ा रहे हैं 32, कोई 40 बता रहा है, अप्रॉक्स इतना ही वैल्यू लेंगे। तो ये दो तरह के हमें बॉन्डिंग बेसिकली पढ़ने होंगे और इसके अंदर डिटेल में भी जाना होगा। जैसे हम आयनिक बॉन्ड की पूरी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का, जैसे आयनिक बॉन्ड की हम बात करेंगे कि भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए मेटल का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होनी चाहिए नॉन मेटल की, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड पे भी एक डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा इसके बाद। जैसे हम आयनिक बॉन्ड पे इसके बाद बातें करनी पड़ेगी हमें। आज तो मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक आपको यही बात नहीं बताई, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कॉज क्या है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, चलिए आज इसको डिस्कस कर लेंगे लेक्चर में। फिर हम पढ़ेंगे भैया कि आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनर्जी रिलीज होती है वगैरह वगैरह। लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये किताब में देखा होगा, टॉपिक कन्फ्यूज कर रहा होगा, लैटिस क्या होता है, लैटिस थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो स्ट्रक्चर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनते वक्त, वो लैटिस एनर्जी होती है। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कि भैया कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, है ना, हज़ारों प्रॉपर्टीज़ मिलेगी आयनिक बॉन्ड की, सॉलिबल है कि सॉलिबल नहीं है, कंडक्टिंग है कि नहीं कंडक्टिंग है, ये सारी बातें, ठीक है। फिर जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता, हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर। तो किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो रूल है वो है फजांस रूल। अब यही सब टॉपिक है जो ज़्यादा आते हैं, है ना, बेसिक, बाकी सब तो 10th लेवल के टॉपिक है। जैसे लैटिस एनर्जी में बहुत सवाल आते हैं, फजांस रूल पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। इसी तरह से हमें कोवेलेंट बॉन्ड की बहुत सारी बातें करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत से डिस्कशन करने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लैटिस एनर्जी तो होती नहीं वहाँ। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये डायरेक्शनल होते हैं, अब डायरेक्शनल बोले तो इनका स्ट्रक्चर होता है, तो अब स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस में कितने स्ट्रक्चर है, करीब 400-500 स्ट्रक्चर है, तो हम सीखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे।
जैसे आप देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे भी होता है वहां स्ट्रक्चर होता है, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर नहीं होता। कभी मैं पूछूं आपसे NaCl का स्ट्रक्चर क्या, तो आप बोले कुछ नहीं, NaCl ऐसे बगल-बगल लिख देते हो, चाहे मैं ऐसे लिख दूं NaCl। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता भाई, वो तो फोर्स होती है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लोन पेयर वगैरह होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां पे हमको अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर बनने हो देखने पड़ेंगे कैसे बनते हैं कैसे नहीं। इसी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा डायपोल मोमेंट बीच में कहीं, ये सारे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, बहुत हल्की फुल्की चीजें डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज आएंगी इनकी, इनका हाइड्रोलिसिस आएगा, कैसे हाइड्रोलिसिस होता है पानी में, कितना नहीं होता। डायपोल मोमेंट एक बड़ा टॉपिक है जो बहुत से कैरेक्टर डिसाइड करेगा, जैसे डायपोल मोमेंट से ये पता चलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर, डायपोल मोमेंट एक बड़ा टॉपिक हमारा बनेगा, ठीक। फिर आएगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मैंने बोला ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है, बस उसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा ले लेता है। मेटालिक बॉन्ड में बहुत थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, ज़्यादा डिटेल में वहाँ नहीं घुसना। इसके बाद जो टॉपिक सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन पूछ रहा है वो है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड भैया बनता कैसे है, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ से बहुत सवाल आ रहे हैं कॉम्पिटिशन में कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे, ये इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग आप बता रहे हो ये होती कैसे है, है ना, कि मतलब इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, कहने को तो आसान है घूम रहा है इलेक्ट्रॉन फिर इधर उधर शेयर हो गया। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो अगर मेरे देख चुके हो या पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है, तो दो ऑर्बिटल आपस में कैसे मिलेंगी, दो ऑर्बिटल आपस में कैसे मिलेंगी भाई, ऑर्बिटल आपने देखे ना ऑर्बिटल होते हैं, है ना, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल शेप देखा है ऐसा गोल, तो ये ऑर्बिटल आपस में कैसे मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, किस किस तरह के बॉन्ड बनेंगे, तो वो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम सबसे पहले आपको पढ़नी है वी बी टी, है ना, विभा तिवारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बताएगी कि किस किस तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, कैसे कैसे शेयरिंग हो सकती है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हुआ, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हुआ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नाम सुना होगा, तो ये सब हमको पढ़ना होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें डिटेल में जाएंगी कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा वी एस ई पी आर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये हमें बताएगी शेप्स के बारे में कि किसी एटम का किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, किसी कोवेलेंट कंपाउंड का शेप किस तरह का होगा, VSEPR इसके बारे में बताएगी। मान लो कोई कंपाउंड है उसके पास लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन खाली भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो वो देखने में कैसा लगेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन किधर किधर भागेंगे, वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की रिपल्शन की थ्योरी, कैसे रिपल्शन होगा उनके आपस में, कैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे या पास आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, यहाँ से खूब सवाल आते हैं। इसके बारे में बात करने के बाद हम पहुँचेंगे मौत पे, MOT, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी आपने एटम के ऑर्बिटल पढ़े हैं कि एटम के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, इसके बाद थ्योरी बढ़ी, उन्होंने कहा मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं। अभी तक आप कह रहे थे एक हाइड्रोजन के एटम के पास एक ऑर्बिटल है 1s, अब ये बोल रहे हैं कि H2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है H2 उसके पास भी ऑर्बिटल है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनता है H2, उन्होंने कहा कि उसमें भी चलो ऑर्बिटल वाली कहानी पूरी खेलते हैं, पर उस ऑर्बिटल का नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा फैक्टर देगा कि भाई कोई चीज मैग्नेटिक है कि मैग्नेटिक नहीं है, कोई हमारा कंपाउंड है तो उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रांग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सब पता चलेगा इस थ्योरी के अंदर से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एनर्जी वगैरह के बारे में बात करेंगे। बीच में एक कंसेप्ट आएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में लगाना है, हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन ये भी इसी में आएगा थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होकर अपनी एनर्जी बराबर कर लेती हैं और फिर बॉन्डिंग करती हैं, सामने से कोई चार एटम आ रहे हैं, सामने से कोई चार एटम आ रहे हैं, मेरे पास चार ऑर्बिटल है पर चारों की एनर्जी अलग अलग है, तो मैं अभी बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, पहले चार ऑर्बिटल को मिक्स करूंगा सबकी एनर्जी बराबर करूंगा तब बॉन्ड बनाऊंगा, ये थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन की।
तो इस तरह की बहुत सी थ्योरीज आपको पढ़नी है, ये सब तो मैं बहुत डिटेल में वीबीटी वीएससीपीआर एमओटी हाइब्रिडाइजेशन इन सब पे तो बड़े लंबे लंबे वीडियोस बनेंगे, बड़े डिटेल में बनेंगे, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इन सब टॉपिक पर बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं आपको सिखाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब बहुत डिस्कस नहीं करूंगा मैं डिटेल में। फजान्स रूल के बारे में डिस्कस करूंगा, लैटिस एनर्जी डिस्कस करूंगा, स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, डायपोल मोमेंट डिस्कस करूंगा, जो बातें नहीं समझ में आती वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज 25 लेक्चर डेढ़ घंटे के नॉट पॉसिबल। तो भैया ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, आप दिमाग में थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि चैप्टर बड़ा है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है अगर आप जेई या नीट को अपना टारगेट कर रहे हो। और मैं अगर आपको बताऊं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो टॉपिक्स मैंने बॉक्स में बनाए या बताए मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएंगे, ठीक है। चलो आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आज पढ़ लो इसी में से कि बॉन्ड क्यों बनता है, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि ये बनता ही क्यों है बॉन्ड, है ना, कि बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है। तो यार इस पर एक बड़ी पुरानी थ्योरी है, पहले मैं वो बता दूं फिर एक्चुअल थ्योरी बताऊंगा जो 11th में इंट्रोड्यूस होती है। तो पुरानी थ्योरी तो हमसे ये कहती है टू अचीव ऑक्टेट, पढ़ा होगा तुमने ऑक्टेट रूल थ्योरी, है ना, या जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सभी एटम क्या चाहते हैं कि खुद को हम कहाँ पहुँचा लें, नोबल गैस के पास। अब नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती, मतलब स्टेबल होती है। मतलब ये सारी कहानी जो है ना कि केमिकल कॉम्बिनेशन बॉन्ड क्यों बनता है, सब स्टेबिलिटी की तरफ है भैया। कितने एलिमेंट हैं, 117 एलिमेंट है, और कंपाउंड कितने, करोड़ों कंपाउंड है। ऐसा क्यों, कंपाउंड ज़्यादा क्यों, क्योंकि कंपाउंड स्टेबल है, एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो स्टेबिलिटी मिलती है। तो भाई क्यों कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन, तो अचीव ऑक्टेट, टू अचीव ऑक्टेट रूल, है ना, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, है ना, अंग्रेजी की ऐसी तैसी हो जाएगी वरना, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, है ना। नोबल गैस को अपन इनर्ट गैस भी बोलते हैं क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती, वो स्टेबल होती हैं, है ना, जैसे अपनी ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट, यही तो होती है, ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट, हीलियम नियन एर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन। अगर हीलियम को छोड़ दो तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6, एर्गन का क्या है 3s2 3p6, क्रिप्टन का क्या है 4s2 4p6, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6, यानी इनके वैलेंस शेल में, तीसरे शेल में 2, 6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 6, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, क्योंकि नोबल गैस के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल है। तो भाई सभी यही चाहते हैं कि हमारी भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, हम भी स्टेबल हो जाएं। तो ये थ्योरी कहती है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं, या तो गेन करते हैं, या तो शेयर करते हैं, किसी भी तरह से भैया एटम हाथ पाँव मार के कोशिश करता है कि मेरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैं इनर्ट गैस से बन जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, है ना। बट ये थ्योरी आगे फेल भी करेगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे अब जेनन के ही बहुत सारे कंपाउंड्स मिल गए, है ना, जेनन के आप देखोगे जेनन की ऑक्साइड फ्लोराइड डिस्कवर हो चुकी है, काफ़ी कंपाउंड मिल चुके हैं, फिर भी एक पुरानी थ्योरी है चली आ रही है, मैक्सिमम एटम्स इसको फॉलो करते हैं, जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज कर देता है क्योंकि पिछली वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक थ्योरी तो हमारी ये थी, पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि एक्चुअल में बॉन्ड क्यों बनता है, तो आज उसको समझो। तो एक्चुअल में बॉन्ड बनता है टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चलिए बात करते हैं इस पर, टू लोअर, क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी लोवेस्ट हो, जब एनर्जी सबसे कम होती है तब सिस्टम स्टेबल होता है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये एक रिंग है, मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने यहाँ रखा और उस बॉल को मैंने यहाँ रखा, आप बताओ बॉल उस रिंग में कहाँ पे स्टेबल है, इस जगह पे कि इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ से गिरने के चांस हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जहाँ यहाँ देख रहे हो हाइट ऊपर हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना,
तो जहां पे भी एनर्जी लोएस्ट हो दैट पार्ट इज नोन एज द स्टेबल पार्ट. तो हर कोई कोशिश कर रहा है, हम आप दुनिया में हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम अपनी एनर्जी को लोएस्ट रखें, एक्साइटेड स्टेट में ना रहें, है ना, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को सबसे कम करें. और यही रीज़न है केमिकल कॉम्बिनेशन का. जैसे मान लो हमारे पास दो एटम्स हैं, समझना इस बात को ध्यान से, ए और बी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. ए के पास न्यूक्लियस होगा, मैंने बोला एन ए, बी के पास न्यूक्लियस होगा, मैंने बोला एन बी. ए के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, बी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी. ये दोनों एटम मान लो बहुत दूर रखे हैं अभी, इनके बीच में कौन कौन सी फोर्स है. जैसे मैं बात करूं एन ए एन बी, न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, ई ए ई बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना. न्यूक्लियस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो एक रिपल्सिव फोर्स होने वाली है. इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि एन ए ई बी और एन बी ई ए में कौन सी फोर्स होगी, तो ये अट्रैक्शन की फोर्स होगी, अट्रैक्ट करेंगे भाई इसके न्यूक्लियस में और इसके इलेक्ट्रॉन में, अट्रैक्शन होगा इसके न्यूक्लियस में, इसके इलेक्ट्रॉन में, अट्रैक्शन. तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, एक तो रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव किसकी वजह से होती है, अपोजिट चार्ज, रिपल्सिव सिमिलर चार्ज. फिर भी यदि एटम पास आ रहे हैं, फिर भी अगर एटम पास आ रहे हैं तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा है, तभी तो एटम पास आना चाह रहे हैं. तो एटम पास आते हैं, 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 और एक जगह आके रुक जाते हैं, इसके बाद पास आना बंद कर देते हैं. इस टाइम जो एटम के बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलने लगते हैं बॉन्ड लेंथ, कि ये इसकी बॉन्ड लेंथ है भैया, है ना. इससे ज्यादा पास वो आना नहीं चाहते, क्यों नहीं आना चाहते, इससे ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक पास आए क्योंकि अट्रैक्शन था, इससे ज्यादा अंदर जाना चाहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद अंदर नहीं आना चाहते. तो ये जो एक डिस्टेंस है ऑप्टिमम डिस्टेंस, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, हम बोलते हैं बॉन्ड बन गया. क्यों बना बॉन्ड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हुई. अब ये पोटेंशियल एनर्जी वाली बात कहां से आई, आओ देखो. ये डायग्राम आपने शायद किताब में जरूर देखा होगा, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, एंड इधर पोटेंशियल एनर्जी. तो ये ग्राफ आप अगर आपने किताब में देखा हो तो ऐसा बना होता है. देखो जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब R की वैल्यू इन्फिनिटी के आसपास है. अब इन्फिनिटी का मतलब एक्चुअल इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी का मतलब एटम के लिए इन्फिनिटी. एटम के लिए इन्फिनिटी कितना होगा, 100 सेंटीमीटर. एटम इतना बड़ा तो होता है, उसके लिए 100 सेंटीमीटर इन्फिनिटी के बराबर है. तो दो एटम अगर 100 सेंटीमीटर दूर है, 100 सेंटीमीटर बहुत है दो एटम के लिए, इन्फिनिटी जितना डिस्टेंस. अगर इतने दूर है तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम कितनी आ रही है, जीरो. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही, जीरो. तो आप बोलोगे सही तो है, खुश तो है, मिनिमम तो है नहीं, और मिनिमम हो सकती है. जब एटम्स पास आए, देखो आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, देखो इस तरफ आ रहे हैं, आर कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और गिर रही है. जैसे जैसे आर छोटा करते जा रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन एटम, पोटेंशियल एनर्जी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है. इस जगह पे आके आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कैसी दिख रही है आपको, मिनिमम. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जैसे इसको मैं बोल दूं, इस टाइम आर की वैल्यू को मैं बोल दूं आर नॉट, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, नेगेटिव है. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और मिनिमम है, मतलब ये जो आर नॉट है यही तो बॉन्ड लेंथ है. तो एटम्स पास आते हैं, पास आते हैं, पास आने में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है, घटती है, घटती है, घटती है, घटती है. अब इससे पास ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी, क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा. इससे ज्यादा पास ले जाओगे तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. कोई आपको ये ग्राफ दे, पूछे इसमें ये चीज क्या डिनोट करती, तो आप बोलो बॉन्ड लेंथ डिनोट करती है, है ना. कोई आपसे पूछे ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज कर रही है, तो आप बोलो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए इंक्रीज कर रही है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स हटा के रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हुई है, इसके बाद रिपल्शन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा. तो एक ये हमें रीजन दिया जाता है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, और यही रीजन अब ज्यादा वैलिड है क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी कहीं लगेगी कहीं नहीं, पर एनर्जी लोअर होना हमेशा लगेगी. तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे लास्ट में, वहां पे भी आप पढ़ोगे कि जब जब एनर्जी लो होगी तब तब बॉन्ड बनेगा, या जब जब बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी लो होगी. सो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो सबसे बेसिक फंडा है वो क्या है, एनर्जी का है. तो ये केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन था. अगले वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, और आयनिक बॉन्ड के बाद कोवेलेंट बॉन्ड पे, और इस तरह से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. वीडियोस को देखते रहिए, माफ़ी चाहेंगे आजकल वीडियोस में थोड़ी लेट हो गई, शायद 15 डेज लेट हो गया,
कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम भी शेयर कर सकते हैं अभी तो, फिर भी आप वीडियो देखते रहिए, यहाँ से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।